जय माता दी। दोस्तों एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी फ़िलहाल मैं बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ फुटओवर ब्रिज से। तो आज हम चलने वाले हैं गुड़गांव के एक बहुत ही फेमस माता के मंदिर में। तो आज हम बहादुरगढ़ से गुड़गांव जाने वाले थे बस में, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इसी दौरान एक भाई पे नज़र पड़ी जो इतनी भीड़ में भी इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद अपना कंटेंट जो है वो एडिट करने में लगा हुआ था। आप लोगों ने देखा बस में अच्छी खासी भीड़ थी, तो फाइनली हम पहुंच गए गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, और क्योंकि आज सप्तमी है तो आज भीड़ अच्छी खासी होने वाली है। चलिए देखते हैं। जय माता दी। तो बहादुरगढ़ से जो बसेस वगैरह आती हैं वो सारी इस मंदिर के सामने से ही होके जाती है, ताकि यहाँ पे पूजन सामग्री का पूरे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, और भीड़ अच्छी खासी है। अब देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। तो ये मंदिर का गेट है बिल्कुल इसके सामने, यहाँ जूता स्टैंड है जो पर पेयर 10 रुपये लेते हैं, बट आपका जो जूता है वो सेफ़ रहेगा। और यहीं के पीछे प्रसाद वगैरह हैं, लाइन मुझे अच्छी तरह से दिख रही है। अब चल पड़ते हैं, बस लग जाते हैं इनके पीछे ही। ये देखिए, ये है मंदिर जाने का रास्ता। तो यहाँ से एंट्री होने के बाद कुछ इस तरीके से पुल के नीचे से आगे लाइन गई हुई है। मैंने इससे ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्ट की थी, बट माता की कृपा से भीड़ थोड़ी कम है। हम आगे चलते हैं, नहीं तो ये जो ऊपर आप फुटवे ब्रिज देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट उस तरफ से रोड के उस पार पार्किंग है, वहाँ से लाइन लगती है, और कल तो ऐसी ही हालत रहेगी। भीड़ वैसे आज ही बहुत कम तो नहीं है, लेकिन हाँ अब यहाँ पैसेंजर जो अपने भगतगण हैं वो यहाँ पर रेस्ट भी कर लेते हैं। और यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मुंडन वगैरह होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुंडन के लिए। तो हम चलेंगे इस तरफ माता के दर्शन के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु द्रोण की पत्नी और गुरु कृपाचार्य की बहन कृपी यहाँ पे गुरुग्राम में शीतला माता के नाम से पूजी जाती है। महाभारत के युद्ध के समय जब गुरु द्रोण वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब उनकी पत्नी कृपी भी उनके साथ सती हो गई थी। अपने पति के साथ चिता पर बैठते हुए माता कृपी ने लोगों को आशीर्वाद दिया था कि इस सती स्थल पर जो भी मनोकामना लेकर आएगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। माता की आराधना करने से चेचक व खसरा, जो पहले के समय में सबसे बड़ा कारण होता था मृत्यु का, इन दोनों से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए जब भी किसी को ये रोग होते हैं तो वो यहाँ पे भोंक लगाने ज़रूर आता है। और माता की गोल्डन कलर की जो मूर्ति है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं चाहूँगा गुरुग्राम स्थित माता शीतला के मंदिर में आप लोग ज़रूर दर्शन करने आए। जस्ट मंदिर से निकलते ही ये यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नत की चुनिया बांध रखी है, और यहाँ पे जोत लगाने के लिए जगह दे रखी है। तो ये जगह है जहाँ पे श्रद्धालु अपने मन्नत के धागे बांधते हैं। ये देखिए, इनफैक्ट काफ़ी लोग मन्नत के धागे बांध भी रहे हैं इस टाइम। और इस तरफ मंदिर बने हुए काफ़ी सारे हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, हमारे भोलेनाथ का मंदिर, और भी आगे मंदिर हैं छोटे छोटे, वो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो अभी जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं बुधो माता की मूर्ति है, ये मुबारकपुर वाली माता है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है। यहाँ पे बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपने मन्नत का घर बनाते हैं, ईंटों से घर बना के मन्नत मांगते हैं, जिनका अपना घर नहीं है और चाहते हैं एक अपना घर, तो बस ईंटों से वो घर बना के जाते हैं और माता की मन्नत पूरी होने पे अपनी मन्नत के हिसाब से वो पूजा करते हैं। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये काफ़ी मंदिरों में नहीं होता। ये है मुंडन हॉल, तो यहाँ पे जो रेट है वो 200 का है। तो यहाँ पे बच्चों के बाल जो हैं वो उतरवाए जाते हैं, माँ को चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये लगे हुए हैं। बाकी ये देखिए सामने देखिए, वो मुंडन का सरकारी रेट 200 रुपये निर्धारित कर चुके हैं, तो यहाँ पे दे रखा है रेट। और अगर आप चाहते हैं गर्मी में ना वेट करना, तो यहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशन्ड यूनिट भी है मुंडन के लिए। और ये सामने जो पॉइंट है, यहाँ पे बेसिकली पर्ची कटती है। सो फाइनली दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। भीड़ की उम्मीद थी और भीड़ मिली भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो 2 घंटे लगे पूरे दर्शन होने में, पूरा मंदिर दर्शन लाइन सब कुछ मिला के। तो बस चलते हैं, और प्लान है एक और मंदिर में जाने का, तो अब चलते हैं वहाँ पे, खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, साथ बने रहिएगा। सो गर्मी तो अच्छी खासी है, और उसी की भरपाई करने के लिए नींबू सोडा ट्राई करते हैं और फिर चलते हैं अगले मंदिर पे दर्शन के लिए। सो शीतला माता मंदिर के बाद अब मैं जा रहा हूँ छतरपुर मंदिर दर्शन के लिए। हम नवरात्रि में आए हैं तो एक दो मंदिर तो करते हुए चले दर्शन। तो बस अब बस में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन तक उतरा हूँ, अब यहाँ से मेट्रो लेके छतरपुर पहुँचते हैं। तो ये फुट ओवर ब्रिज से पार करके जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट छतरपुर पहुँच चुका हूँ, उससे पहले एक आइसक्रीम ले ली क्योंकि अब मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं आज सच। तो चलेंगे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद करेंगे पेट पूजा। सो ये सबवे से होते हुए यहाँ से घूम घूम के जाना पड़ेगा आगे। चलिए चलते हैं माता के दर्शन के लिए। सप्तमी के लिहाज से तो मंदिर बहुत ज़्यादा खाली है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। वृक्ष देख रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत की चूड़ियाँ और चुनियाँ वगैरह बांधते हैं। चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं। देखिए सामने ये गुरुजी की मूर्ति, इन्होंने स्थापना की थी छतरपुर के इस मंदिर की, संत गुरु नागपाल जी। सो मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद अब सामने आ गए हैं, सामने ही मंदिर है तो वहाँ चलते हैं। और मेन मंदिर बहुत खूबसूरत है, मैं कहता हूँ अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना, स्पेशली पूर्णमासी और नवरात्रों के दौरान छतरपुर मंदिर ज़रूर आए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दिनों में जो माँ की मेन मूर्ति है, जो कि गोल्ड प्लेटेड मूर्ति है, वो उसके दर्शन मिलते हैं। तो आप लोग ज़रूर आओ, बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जो मेन मंदिर में
राधा कृष्ण का विग्रह है ना, वो बहुत खूबसूरत है, तो छतरपुर मंदिर में ज़रूर आइए। सब भूख लग रही है, अब मैं जा रहा हूँ लंगर चखने। यहाँ पे लंगर भी चखाया जाता है और मैं लास्ट टाइम भी आया था जब मैंने लंगर चखा था, अच्छा था, तो इस बार भी वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी मंदिर है जो अभी फ़िलहाल बंद है, दोपहर का टाइम है इसलिए। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, अंदर से इनका जो आर्किटेक्चर बाहर से भी दिख रहा है आपको। ये देखिए, इधर साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया हुआ है, हमारे साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं जिस स्टाइल में, उसी आर्किटेक्चर डिज़ाइन में बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा लगता है बाहर से भी और अंदर भी काफ़ी खूबसूरत है, मैं एक बार गया था। तो अगर आप लोग आते हैं छतरपुर मंदिर तो डेफिनेटली ये भी देख सकते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत महाकारथ यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए माँ का विग्रह यहाँ पे, चल ठीक है मैं जाऊँगा, माता का रथ है, बहुत खूबसूरत। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये संत नागपाल का समाधि स्थल और माता का मंदिर भी साथ में ही है, एक माँ दुर्गा का, क्योंकि बाबा नागपाल जो थे वो माँ दुर्गा के उपासक थे। तो आपको हर जगह यहाँ माँ दुर्गा के मंदिर ज़्यादा दिखेंगे, ऑलमोस्ट हर कॉम्प्लेक्स में माँ दुर्गा का मंदिर ज़रूर है। और ये भी काफ़ी अच्छा सुंदर बना हुआ है, ये देखिए। तो ये देखिए कच्छा, उसके बाद श्री यंत्र, उसके ऊपर ये त्रिशूल, काफ़ी सुंदर। तो इस हनुमान जी की मूर्ति के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ऊंची है, देख सकते हैं। मैं इतनी दूर से इसको शूट कर रहा हूँ क्योंकि आगे तक जाने के लिए मैं शूज़ उतार के रख के आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को यहाँ से निकलना है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत मूर्ति, और ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स छतरपुर मंदिर का है। अभी हम उस मंदिर की ही बेसमेंट में हमने लंगर चखा था। सो दोस्तों, गुड़गांव के शीतला माता मंदिर और दिल्ली छतरपुर के छतरपुर मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब एक और मंदिर की प्लानिंग है, चलते हैं देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ है। तो आज नवरात्रों के सप्तमी पे सही दर्शन हो रहे हैं मेरे भी और आप लोगों की भी वर्चुअल, इसके लिए साथ बने रहिए। और एक नए मंदिर में हम जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको बताऊँगी कौन सा मंदिर गया। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग और मंदिर में पहुंच गए थे, इसका मैंने जिक्र किया था। तो हम लोग आए हैं करोल बाग में झंडे वालन माता के मंदिर में, तो चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं, देखते हैं भीड़ कितनी है। तो पहले यहाँ से जाना पड़ता था, अब यहाँ पे ही सिस्टम कर दिया है, नीचे से यहाँ से जाना है, यहीं पे शू स्टैंड है आगे वो रहा, और यहीं से लाइन लग रही है। तो चलिए, ये फ्लैटेड फैक्ट्रीज वाला गेट है, जो यहाँ आते हैं उनको पता होगा। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली दर्शन की लाइन में लग चुके हैं, और सप्तमी के हिसाब से यहाँ पे भीड़ कम है। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि भीड़ ऑलमोस्ट हर जगह मेरे को बहुत कम मिली है। लेकिन ये तो शुरुआत है वैसे झंडे वाला मंदिर की, तो देखते हैं आगे जाके कितनी भीड़ मिलती है या कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली मेरे को पूरा दर्शन करने में। वैसे देख रहे थे काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि मैं यहीं करोल बाग में रहा करता था और हर नवरात्रों में यहाँ आना बहुत इम्पोर्टेंट था, और सिर्फ एक से ज़्यादा बार ही आता था मैं। तो चलिए, मेरे लिए बहुत दिनों बाद आया हूँ, दर्शन करते हैं माँ झंडे वाली के। जय माता दी। तो ये है मेन गेट, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, और यहाँ से ऐसे लोग
तो मंदिर में भी दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद आज प्रसाद में ब्रेड पकौड़े मिले हैं, क्या बात है। तो चलिए अब प्रसाद जो है वो खाते हैं, वो ग्रहण करते हैं, उसके बाद चलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे निशुल्क मेहंदी सेवा भी चल रही है, जिसके लिए प्रॉपर ये लाइन भी लगी हुई है फीमेल्स की। ये देखिए तो फ्री में मेहंदी लगाने की लाइन बहुत लंबी है। ओवरऑल हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, तो चलिए अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों फाइनली आज सप्तमी नवरात्रि, सातवां नवरात्रा है और सप्तमी के दिन आज सुबह से लेकर अब तक हमने तीन मंदिर जो कि बड़े फेमस थे, तीन मंदिर में दर्शन किए और आपको भी मंदिर के दर्शन कराए। हो सकता है विग्रह के दर्शन इतने अच्छी तरह नहीं करवा पाए क्योंकि भीड़ का एक वो होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रहे। और भीड़ मुझे आज किस्मत मेरी अच्छी थी, मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, बहुत जल्दी जल्दी दर्शन हो गए। तो होपफुली आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगा, तब तक मैं आपका दोस्त विप्लव साइनिंग ऑफ।